मेरे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी चाहने वाले हैं उनको नमस्कार। देखिए, कई लोग फ़ोन करते हैं मेरे पास, अपनी समस्याएं बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उन तक पहुंचूं। मैं बहुत प्रयास करता हूं, भरसक प्रयास करता हूं कि समय निकाल के मैं जा सकूं। आज मैं एक ऐसे शहर से लगे हुए एरिया में आया हुआ था जहां पर सड़क 300 मीटर स्वीकृत हुई थी तो महज 100 मीटर बना करके एक नेता का रिश्तेदार ने छोड़ दिया। उसके आगे स्थिति इतनी ख़राब थी सड़क की, जो आप मेरे चैनल में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, कि वहां से गुजरना चलना छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत दुश्वार था। इमरजेंसी पड़ने पे मैं लगातार, जब उस सड़क की आज मैं मरम्मत कर रहा था, कह रहा था कि अगर यहाँ इमरजेंसी पड़े तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती, नहीं घुस पाएगा। एक्चुअल हुआ भी यही, जो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं, कि जो जब सड़क हमारा मरम्मत का काम एक मोहल्ले दूसरे मोहल्ले तक गया, आखिरी हो गया काम, हम जब राहत की सांस ले रहे थे तभी सामने घर में जो हमारा सहयोग भी कर रहे थे व्यक्ति, उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लग गया और अर्जेंट में हमें अपने कार में उन्हें वहां से निकालना पड़ा, क्योंकि वीडियो में आप देखिएगा सड़क एम्बुलेंस जाने लायक है ही नहीं। छोटा सा सड़क है, एम्बुलेंस नहीं जा सकता, वहां कीचड़ से सना हुआ सड़क है, गड्ढे हैं और लोग वहां बता रहे हैं पानी तक नहीं है। ऐसे स्थिति में मैं जाता हूं और जब मैं प्रसव के लिए महिला को लेकर जा रहा था अस्पताल, मुझे कॉल आया और मुझे किसी ने कहा, कोई सुमारू नाग करके सज्जन थे, उन्होंने फ़ोन किया, सर हमारे यहाँ सड़क की बहुत समस्या है, यहाँ बहस हो रहा है, बहुत कुछ बातें चल रही, कृपया आप आइए। अब उनको मैं स्थिति कैसे अवगत कराऊँ कि मैं एक प्रसूति महिला को लेकर जा रहा हूँ अस्पताल। ऐसे ही मैं सिचुएशन में फंसा रहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं खबर बना रहा होता हूँ, लोग फोन करते हैं, आप तत्काल में ही, तत्काल पहुँचना मुश्किल है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ सब सारी चीज़ें क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है। हर जगह मैं लड़के आप लोगों का हक दिला पाऊं ये संभव तो नहीं है। मैं कोई नेता तो नहीं हूं कि एक पूरा क्षेत्र में मैंने एक बार बोल दिया कि आप जो है यहां पर ये विकास कर दीजिए और हो जाएगा। पत्रकार होने के नाते मैं लोगों तक सही चीजें पहुंचाता हूं, दिखाता हूं, मैं भरसक प्रयास करता हूं कि आप लोग की आवाज बन सकूं। ऐसे में आप लोगों की हिम्मत करना पड़ेगा। बस्तर की जनता, बस्तर संभाग के, छत्तीसगढ़ के उन सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं मैं कि आप हिम्मत कीजिए। आप जब एकजुटता दिखाएंगे तो वहां मैं पहुंचूंगा जरूर, आप लोगों की मदद करूंगा, साथ में करूंगा। जिम्मेदार जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मैं हूं जिम्मेदारी लेने के लिए। आप लोगों की आवाज बनके, आप लोगों की ताकत बनके मैं जहां तक हो सके करूंगा संभव। तो मेरे से जो संपर्क करते हैं, मुझसे जो उम्मीद रखते हैं लोग, उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा उम्मीद बनाए रखिएगा, मुझसे आप कंटिन्यू टच में रहिएगा कि अपनी समस्याओं को लेकर के, आज नहीं तो कल, दो दिन चार दिन मुझे लेट होगा लेकिन आऊंगा, आप तक पूरा प्रयास करूंगा। मेरे पास हर रोज 5 से 7 कॉल आते हैं मेरे दर्शक जो है फेसबुक से देख करके, फिर YouTube से देख करके, खुद की समस्या न होने पर भी दूसरे की समस्या मेरे तक पहुंचाते हैं, जन समस्याएं पहुंचाते हैं, कई लोग निजी समस्याएं लेके आते हैं। तो हर जगह पहुंचना मेरा संभव नहीं है। आप लोग थोड़ा जागरूक और हो जाइए, अपने हक पहचानिए, कहाँ कितने पैसे किस विकास कार्य के लाते हैं, खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, हिसाब मांगिए। एक दिन आपको हड़काया जाएगा, बोला जाएगा, लेकिन कंटिन्यू जब आप लोग आवाज उठाना ग्रुप बना के चालू कर देंगे, जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे तो जो है ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। चलिए, फिलहाल तो सुबह 10 बजे मैं 9 बजे घर से निकला था बिना कुछ खाए पिए, हालत बहुत ख़राब है मेरी। फिलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको राम राम, जय सिया राम। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरा सपोर्ट करते रहें, मेरी हिम्मत बढ़ाते रहें। नमस्कार।